गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मैथ मैजिक इन स्टैंडर्ड 3। लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 148 और 149 कंप्लीट कर दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 150 से। और मैंने आपको ये दो होमवर्क दिए थे, आई विश आपने कंप्लीट किया होगा। चलो लेट्स स्टार्ट विद पेज नंबर 150। सीक्रेट मैसेजेस। अमृता एंड पारितोष आर राइटिंग सीक्रेट मैसेज। चलो यहाँ पर इन लोग कुछ मैसेज लिख रहे हैं, तो क्या लिखा है? 3W3H3E3R3E। तो हम अगर सारे लेटर को लाइन करते जाएंगे, 3A3R3E, 3O3Y3O3U, तो इसका क्या हो रहा है? वेर आर यू, ऐसा उसने मैसेज किया। तो वो क्या बोल रहा है? 3I3N 3TH3E 3C 3A 3N 3 3 3 E 3 E N। तो क्या हो रहा है? इन द कैंटीन, ठीक है। कैन यू टेल व्हाट दे आर ट्राइंग टू से? मतलब यहाँ पर जो है वो क्या पूछ रहे हैं? वेयर आर यू, ऐसा उसने एक तरीके से सीक्रेट मैसेज किया हुआ है उसको कि वेयर आर यू, कहाँ पर हो। तो क्या उसने क्या बोला है? इन द कैंटीन, यानी कैंटीन में हो। तो इस तरह से उन्होंने एक पैटर्न यूज़ किए कि थ्री लिखना है कोई भी लेटर लिखने से पहले। दिस इज आर टू सीक्रेट मैसेजेस, लुक एट द पैटर्न एंड फाइंड द हिडन सेंटेंसेस। यहाँ पर एक जैसे दिया है 1I2L3O4V5E6Y7O8U, तो उसका मीनिंग क्या होता है? आई लव यू। फिर क्या लिखा उसने? ATBHCD, यहाँ पे ABCD लिखते गए साथ में। तो अगर हम ABCD के अलावा के जो है सेंटेंस वर्ड्स उसको मैं टिक कर देती हूँ, तो क्या हो जाएगा उसका? क्या होगा कि धीस THIS, धीस BOOK, बुक IS इज FUN, फन, ठीक है। नाउ यू ऑल्सो मेक योर ओन सीक्रेट मैसेज। यहाँ पर आपको होमवर्क है ये, इसका क्या होगा? आई लव यू, दिस बुक इज फन, ठीक है। चलो नेक्स्ट है पेज नंबर 151। इवन एंड ऑड नंबर, यहाँ पर इवन एंड ऑड नंबर है, तो चलो देखते हैं कि किस तरीके से है। तो जो भी ऐसे जैसे 1, 3, 5, 7, 9, वो सब जो नंबर होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। क्या बोलेंगे? ऑड। और 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है? इवन नंबर है। तो यहाँ पे उन्होंने 1 to 100 किया है, लेकिन उनको डिवाइड कर दिया है ऑड और इवन में, ठीक है। तो हाफ दिस नंबर आर इन येलो, व्हाट पैटर्न डू यू सी इन दिस नंबर्स? कंटिन्यू द सेम पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर हमें देखते जाना है और कंप्लीट करते जाना है। जैसे 96 है, 97 नहीं है तो 98, तो 99 नहीं, 100, 102, 104, 106, 108, 110, उसके बाद 112। इस तरह से हम उसकी जो पैटर्न है वो कंटिन्यू करके कंप्लीट करेंगे। हाउ फार कैन यू कंटिन्यू दिस पैटर्न, कितना दूर तक आप ये पैटर्न कंप्लीट कर सकते हो, ऐसे पूछ रहे हैं। दिस नंबर्स हैव अ स्पेशल नेम, दिस नंबर्स हैव अ स्पेशल नेम, दे आर कॉल्ड इवन नंबर्स। इनको हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर। क्या बोलेंगे? इवन नंबर। डू एनी दिस इवन नंबर एंड विथ 3 or 5? तो आपको अभी ऐसे नंबर करने हैं जो 3 or 5 से कंप्लीट होते हो, ठीक है। जैसे 13 है ना, 15 है, फिर 23 है, 25 है, इस तरह से। व्हाट डू इवन नंबर एंड विथ? इवन नंबर जो होते हैं वो किस पे ख़त्म होते हैं वो आपको देखना है। तो किस पे ख़त्म हो रहे इवन नंबर? तो इवन नंबर है जो क्या है, जैसे 10 है, फिर 30 है, 50 है, 70 है, 90 है, इस तरह से कंप्लीट होते हैं। लुक एट द पैटर्न ऑफ नंबर्स इन ब्लू, कंटिन्यू द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अभी जो ब्लू है उसमें देखना है, तो 99 है तो 100 नहीं है, 101 है तो 102 नहीं आएगा, 103, 104 नहीं, 105, 6 नहीं, 7, 8 नहीं आएगा, 9, 10 नहीं आएगा, 11, 12 नहीं आएगा और 13। व्हाट डू द नंबर्स इन ब्लू एंड विथ अप? आपको देखना है कि एंड किस से हो रहा है, ठीक है।
ऑल नंबर्स दैट एंड विथ 1, 3, 5, 7 और 9 आर कॉल्ड ओड नंबर। देखो जितने भी नंबर 1, 3, 5 और 7 और 9 यानी 1, 3, 5, 7, 9 ये जो ब्लू लाइन में जितने भी नंबर्स है वो जो सारे वो क्या है ऑड नंबर है, और 2 है, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये सारे इवन नंबर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है राइट ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 400 और 4010। तो इसके बीच में कितने नंबर आते हैं, तो 401, 403, 405, 407, 409। राइट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 155 एंड 165। अब ये दोनों के बीच में कौन से नंबर आते हैं इवन, तो 156, 158, 160, 162 और 164। इफ़ वी एड 1 to any odd number वी गेट अन, कोई भी एक नंबर अगर ऑड नंबर में हम ऐड करते हैं, तो ऑड नंबर मतलब कि 135, उसमें अगर मैंने 1 में 1 ऐड किया तो 1+1 करती हूँ तो क्या हो जाएगा 2, तो हमें इवन नंबर मिलता है। और इफ़ वी एड अ 1 to any even number तो हमें क्या मिलेगा, नंबर वी गेट अन, मतलब अगर कोई भी इवन नंबर जैसे कि 2 में+1 करते तो मुझे 3 मिलेगा, तो वो कौन सा नंबर हो जाएगा ऑड नंबर। व्हाट डू यू गेट इफ़ यू ऐड अन इवन नंबर टू अन ऑड नंबर, और हम अगर एक इवन और एक ऑड नंबर को मिक्स करते हैं तो कौन सा नंबर मिलता है, तो वो तो हम नंबर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे अगर ऑड में 1 नंबर ऐड करते हैं तो इवन मिलेगा, और इवन में ऐड करेंगे तो ऑड नंबर मिलेगा, है ना, अभी हमने यहाँ पर देखा। नेम इन एन ऑर्डर, अदि हैज़ अरेंज दिस लिस्ट सो द नेम स्टार्टिंग विथ ए कम फर्स्ट एंड देन बी दूस बी सी डी एंड सो ऑन, नंबर दिस नेम्स इन द ऑर्डर इन विच दे विल कम। तो सबसे पहले हम ए जहाँ पे है उसको नंबर 1 देंगे, फिर बी यानी ए बी सी डी ऐसे लाइन से करना है, तो ए बी सी नहीं है डी ई F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, ठीक है। जलज इज प्राउड टू बी हैव स्पेशल नेम, ही सेज इफ यू रीड इट बैकवर्ड इट इज स्टिल द नेम स्टिल द सेम। अगर उसको अपने नाम पे प्राउड है कि हम अगर जलज रीड करेंगे तो जे ए एल ए जे, और उल्टा रीड करेंगे बैकवर्ड तो भी जे ए एल ए जे होता है। Which of the following names have the same pattern mark? इसमें किसका सेम पैटर्न है उसको हमें मार्क करना है, ठीक है। जैसे डबल ए ए डबल एन ए अन्ना, और एम डबल यू एन मुन्ना, है ना। फिर उसके बाद ये तो ए आर एस एच है, ये ए नहीं, ये दोनों नहीं आएंगे, सिर्फ ये दोनों आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पेज नंबर 150, 151 और 152 आपको वीडियो देखकर टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है, उसके बाद का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।